सर्वजी नमस्कार. माय नेम इज अरुण कुमार गौड़ा. आई एम द चामुंडेश्वरी मंडला प्रेसिडेंट मैसूर. मुझे आई हैव ए क्वेश्चन. हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन आइडियल कार्यकर्ता टू बी? भाजपा के आदर्श कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? एक तो हर कार्यकर्ता के मन में आदर्श कार्यकर्ता बनने की इच्छा होनी चाहिए. ये बहुत बड़ी बात होती है. हो सकता है आज हम आदर्श ना हो, लेकिन आदर्श बनने की इच्छा होनी चाहिए और आदर्श बनने के रास्ते पर लगातार कोशिश करनी चाहिए. और मैं समझता हूं आपका सवाल बहुत ही उचित है और सही समय पर पूछा है, क्योंकि आपका प्रश्न एक आइडियल कार्यकर्ता के होने से जुड़ा है. ऐसे में मैं आपका ध्यान अगले दो दिनों की ओर ले जाना चाहूंगा, जब हम दो महान विभूतियों की जयंती मना रहे हैं. इसका जीवन हमें बताता है कि एक आइडियल कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए. कल, आज 10 अक्टूबर है, कल 11 अक्टूबर को हम नानाजी देशमुख की जन्म जयंती मना रहे हैं. आप किसी ऐसे कार्यकर्ता से पूछिए जिन्होंने आज से 30-40 साल पहले पार्टी ज्वाइन की होगी, वे आपको बताएंगे कि किस प्रकार नानाजी देशमुख कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श थे. बेहद विनम्र, जमीन से जुड़े हुए, विचारधारा के प्रति समर्पित, किंतु बाहरी दुनिया से डायलॉग के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, परिश्रमी, यही तो नानाजी का व्यक्तित्व था, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक संगठन में जिन क्षमताओं की आवश्यकता होती है, नानाजी देशमुख में वह फूट फूट करके भरी पड़ी थी, कूट कूट करके भरी पड़ी थी. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1970 के दशक में, जब सिर्फ एक ही पार्टी की तूती बोलती थी, जब उस पार्टी ने विपक्ष को दबाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, जब आपातकाल थोपा गया, तो उन हालात में भी ये नानाजी देशमुख थे जो संगठन की गतिविधियों में सबसे आगे रहे थे. और फिर 1977 में जब जनता पार्टी जीती थी, तब नानाजी ने किसी आरामदायक मंत्री पद लेने की बजाय चित्रकूट जाने का फैसला किया था. उन्होंने देश के ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया. 12 अक्टूबर को, परसों, हम अपने एक और नेता की जयंती मनाते हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया. इस बार का 12 अक्टूबर तो और भी विशेष है, क्योंकि यह उनकी 100वीं जयंती है. राजमाता सिंधिया एक समृद्ध राजघराने से थी. अगर वो चाहती तो पूरे ठाट बाट का जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्होंने जनता के बीच रह करके काम करने का फैसला किया. गांवों, जंगलों, आदिवासियों, दूर दराज के इलाकों में जनता के लिए वो हमेशा हाजिर रहती थी. सहजता इतनी थी कि लोगों को भी उनके पास जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था. कार्यकर्ताओं के प्रति उनका गजब का स्नेह था. आपातकाल के दौरान सरकार ने उन्हें अलग अलग तरह से परेशान किया, लेकिन इससे पार्टी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई. भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी ऐसा ही होना चाहिए, दृढ़ और सौम्य, यानी टफ एंड जेंटल, आत्मविश्वासी और विनम्र, यानी कॉन्फिडेंट एंड हम्बल, प्रतिबद्ध और मेहनती, यानी कमिटेड एंड हार्डवर्किंग.